हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी कल क्यों जारी नहीं हुई, तो उसके संबंध में ये न्यूज है। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। लिखा है, नहीं जारी हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी। प्रयागराज सचिव परीक्षा नियामक की ओर से तय तिथि पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं हो सकी। परीक्षार्थियों की ओर से कट ऑफ जारी करने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल करने और कोर्ट की ओर से इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के बाद सचिव परीक्षा नियामक ने संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं किया। सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि अब 21 जनवरी को कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। मतलब कल 19 जनवरी 2019 को 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी आने वाली थी, जो कि नहीं आई। किस कारण से नहीं आई? वो कोर्ट के कारण से नहीं आई। कोर्ट में मामला लंबित है, इसी वजह से जो है आंसर की नहीं आई है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आंसर की आ जाएगी। बाकी अगर ये आंसर की जारी नहीं की है तो बड़ा खेद की बात है, क्योंकि देखिए आंसर की जारी करने के लिए कौन सी कट ऑफ लगानी पड़ेगी, वो तो रिजल्ट जारी करने के लिए कट ऑफ लगानी है। तो जारी कर सकते थे, लेकिन पता नहीं किस कारण से जारी नहीं किया, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कह सकते। खैर जो है, और 21 जनवरी को जो है अब आपकी आंसर की आएगी, जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। रीज़न यही था कि कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण जो है आंसर की नहीं आई, तो बस यही बात है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।